खबर नरसिंहपुर से। गन्ने के रेट में वृद्धि और पर्याप्त खाद की उपलब्धता को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। गत दिवस राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा गन्ने के दामों में वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित क्षेत्र है। बीते साल से यदि तुलना की जाए तो इस साल गन्ने में जहां 9 की बजाय 11 से 12 प्रतिशत की रिकवरी अधिक है, वहीं शक्कर के दाम 300 से 350 रुपए प्रति क्विंटल और गुड़ के दाम भी 500 से 600 रुपए तेज चल रहा है। नया गन्ना सत्र शुरू होने के पहले कुछ मालिक ने 300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के रेट से गन्ना खरीद के संकेत दिया, जबकि आज का मूल्य किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मिलना था। गन्ने की रिकवरी समय अनुसार निरंतर बढ़ती जाती है, जो कि नियमानुसार हर 15 दिन में गन्ने की रिकवरी चेक कराई जाए। रिकवरी के आधार पर गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाकर किसानों को दिलाया जाए। जिले में लंबे समय से किसान DAP यूरिया जैसी अन्य अति आवश्यक खाद्य उपलब्ध न होने के कारण परेशान है, जबकि इस समय रबी फसलों के लिए खाद्य की जरूरत है। पिछले एक माह से किसानों को खाद्य मिलने में समस्या हो रही। जिले का किसान इन समस्याओं के चलते परेशान है और इसका कारण आक्रोशित भी। इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने पर विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मौके पर ज्ञापन देते हुए महाकौशल प्रांत अध्यक्ष ऋषिराज पटेल, भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष बाबूलाल पटेल, बड़ी संख्या में और भी लोग किसान उपस्थित रहे। ये गन्ने का रेट है सर, पिछले साल जो हुआ था हम लोग निवेदन करते रहे प्रशासन से कि एक बार गन्ना साहब किसानों को बैठा लगा दें और रेट सब तय करा दिए थे। पिछले साल इनने रेट बढ़ाया नहीं, लास्ट में बढ़ाया, जबकि रिकवरी के अनुसार 15-15 दिन में तय हुआ था कि 15-15 दिन बढ़ेंगे। और इस साल 600-500 रुपये गुड़ में रेट थे, रिकवरी भी अच्छी है। तो सर ये जो खुलेंगे रेट तो निश्चित रूप से वो बहुत नीचे 250-350 के आसपास खुलेंगे, जबकि शासकीय शुगर मिलों में बाहर 350 से ऊपर, कम से कम 350 नरसिंहपुर में कराए जाएँ शुरू में सर। और आज मुख्य रूप से दो जो किसानों की समस्याएं लंबे समय से चल रही हैं उनको लेकर आज कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख जो है कि अपन देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला ही है जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो पिछले वर्ष जो गन्ने के मूल्य जब फैक्ट्रियाँ चालू हुई थी तब रिकवरी जो थी वो 9% के आसपास थी, और आज आप गन्ने की रिकवरी जो देखेंगे 12-11% के आसपास में है। और आप अगर शक्कर का मूल्य देखेंगे, शक्कर के मूल्य में भी 300 से 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है, और वहीं गुड़ का अगर अपन दृष्टिकोण देखेंगे तो गुड़ में भी 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो उस आधार पे अपन देखेंगे रिकवरी प्लस ये जो मूल्य जो उत्पाद गन्ने से जो होता है उसका देखेंगे तो उसके हिसाब से आज मूल्य होना चाहिए 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का, जो अभी शुरुआती दाम है। और ये कुछ फैक्ट्रियों से अभी जो ओपन होने वाली है उनसे सूचना प्राप्त हुई है कि वो लगभग 300 के आसपास अपना मूल्य रखेंगे, उस हिसाब से लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा किसानों को होगा। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।